समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। Oh,
जय मां गंगे,
गोपाष्टमी के परम पावन पर्व पर माँ गंगा के पावन तट पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश जो हिमालय की गोद में स्थित है, पूज्य संतों का सानिध्य ये पावन मंगलमय पर्व और ये दिव्यता का क्षण। ऐसे में हमने राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे को भी मनाया, उससे पूर्व के सभी पर्वों को मनाया। आज का पर्व भी अपने आप में इसलिए अनूठा है कि हमारे बीच में भारत जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है पूरे विश्व में, जिसकी अपनी एक गरिमा है, अपना एक गौरव है। उस देश की जो सर्वोच्च संसद है, उस संसद के सभापति के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने उस सीट को भी, उस पद को भी, उस आसन को भी एक गौरव प्रदान किया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आसन पर कौन। आसन पर केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व है जो अपने आप में भारतीय संस्कृति को जीते हैं। सरल जीवन, सात्विक जीवन। मैं पिछली बार जब उनके आवास पर गया, मुझे याद है कि किस तरह से पूरा वातावरण भक्तिमय, आनंदमय, मंगलमय वातावरण था। इतना दिव्यता के क्षण मुझे लगा कि किसी आवास में नहीं बल्कि लगता है किसी धाम में आए हों। इतना प्यारा वातावरण। आदरणीय हमारी देश के संसद के ज्योतिर्धर आदरणीय श्री ओम बिरला जी हम सबके बीच में हैं, और उनकी सात्विक और भक्तिमयी धर्म पत्नी श्रीमती अमिता बिरला
हम सबके बीच में हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, क्योंकि सदन में जब वे होते हैं कितनी शालीनता के साथ, शांति के साथ उन सब मुद्दों को वो सुलझाते हैं, उन समस्याओं को समाधान में बदल देते हैं, ये उनकी विशेषता है। उनका भक्तिमय हृदय एक भक्त की तरह सात्विक जीवन जीने वाले, और पूरे देश की संसद के माध्यम से सांसदों को और सांसदों के माध्यम से पूरे देश को एक दिशा देने वाले हमारे आदरणीय श्री बिरला जी, हम उनका जोरदार तालियों से पुनः मैं अभिनंदन करने को कहूँगा। आज का पर्व गोपाष्टमी का पर्व है। हमारे यहाँ ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति, ये दो संस्कृतियाँ बड़ी प्यारी हैं। शुरू से, प्रारंभ से ये दोनों संस्कृतियाँ चली आ रही हैं। ऋषि संस्कृति ने हमें विश्व मंगल के सूत्र दिए। अक्सर हम लोग इसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं, और हम ही नहीं पूरे विश्व में उसकी चर्चा होती है। हमारे वो प्यारे से मंत्र, उनके एक एक पंक्ति का भी पूरे विश्व में गुणगान होता है। मुझे याद है 1991 में जब हमारे देश के साथ रशिया के संबंध शुरू से ही बहुत सुंदर रहे हैं, वहाँ के राष्ट्रपति जी ने जब पेरोस्ट्राइका, मतलब जब पूरे रशिया को खोला सबके लिए, तो हम लोगों को भी वहाँ आमंत्रण मिला। अमेरिका के, मुझे याद है, उपराष्ट्रपति थे, मैं था, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और 5-7 हम लोग वहाँ के उस पवित्र वातावरण में नदियों के दर्शन भी किए। पवित्र वातावरण मैंने क्यों कहा कि पहली बार वहाँ पर उस बड़े हॉल में जब ओम का उच्चारण हुआ, मंत्रों का उच्चारण हम लोगों ने किया, तो पूरा हॉल गूंज उठा। ये पहली बार था, द ओम इन क्रेमलिन, ओम इन क्रेमलिन पूरे भारत, रशिया के सभी पेपरों की हेडलाइन बनी। एक ओम का उच्चारण और फिर मंत्रों का उच्चारण, वो अपनी संस्कृति की हेडलाइन बनाता है दूसरे देश के न्यूज मीडिया में। और सच मानिए, वो केवल हेडलाइन ही नहीं, हमारी हार्ट लाइन भी है, हमारी हार्ट लाइन भी है। उन मंत्रों को दिया हमारी संस्कृति के ऋषियों ने, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात, पूरा विश्व एक परिवार है, यह हम सबका चिंतन, तभी तो ये सबका साथ सबका विकास की बात आती है, सबके विश्वास और सबके प्रयास की बात आती है। क्योंकि मंत्र ही ऐसे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका भला हो। आज उस सबका भला करने वाली संस्कृति ऋषि संस्कृति, और फिर कृषि संस्कृति। और कृषि संस्कृति के लिए गाय को सबसे ज्यादा हमारे ऋषियों ने महत्व दिया। सागर मंथन हुआ, सागर मंथन में बहुत सारी चीजें निकली, 14 चीजें निकली, रत्न निकले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक और भी गरिमापूर्ण कपिला गौ निकली, कामधेनु गौ। कामधेनु जब गौ निकली तो ऋषियों ने कहा बस अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने उस गौ माता को अपने पास रख लिया और फिर उस संस्कृति का विकास किया। गाय बचेगी तो गांव बचेंगे, गाय बचेगी तो खेत बचेंगे, गाय बचेगी तो संस्कृति बचेगी। ये हमारी संस्कृति है, और संस्कृति बचेगी तो हमारी संतति बचेगी। इसलिए आज के परम पावन पर्व पर जिन्होंने सदैव ऋषि और कृषि संस्कृति का संसद के माध्यम से भी संदेश दिया है, ऐसे हमारे आदरणीय श्री ओम बिरला जी का हम
प्यारा सा तुलसी का पौधा देकर और एक माला जो हमारे पूज्य संतों ने ही एक एक इलायची बीन कर उसको बनाया है, संतों ने बनाया है। और हमारे आदरणीय पूज्यपाद पुरानी स्वामी बालकृष्ण स्वामी जी बैठे हैं सामने, बड़े परम विद्वान हैं, विनम्र हैं और सभी संत उनके सानिध्य में हैं। छारोड़ी गुरुकुल अहमदाबाद से पधारे ये पूज्य सभी संत, संतों ने बनाकर ये आज ये प्यारी सी माला जो इलायची से बनी है, प्राकृतिक माला, ताकि प्रकृति का जो उपहार है वो सचमुच अनुपम है। आइए उसी माला से ही उनका हम अभिनंदन करते हैं और ये प्यारा सा दिव्य पौधा, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि वे आज इस क्षण पर, दिव्य क्षण पर कुछ उद्बोधन भी आज देंगे और फिर हम उसके बाद आरती करेंगे। यावी ने लागू जो ये कि लगन जेव नहीं, गंगा जी की लागणी एवी छे, यहाँ आवी ने लागे कि आपने लगन करेलो, लगन ये आजेज करी छे, एवं लागू जो ये आप बस भगवान करे प्रेममय आनंदमय हो, मंगलों से रहे भरा, प्रेममय आनंदमय हो, मंगलों से रहे भरा, प्यार प्रेम यही हमारी संस्कृति है। यही प्रभु से प्रार्थना है कि भारत के गुलशन को, भारत के इस बगीचे को संसद के माध्यम से आप रखना हरा। अब मैं चाहूँगा कि कुछ पल वे आपसे अपना उद्बोधन दें, क्योंकि संसद में जब वे देते हैं तो सारे सांसद सुनते हैं, पूरा देश सुनता है। मुझे लगता है कि वो राज्यसभा है, वो लोकसभा है, वो देश की सभाएं हैं, लेकिन यहाँ तो गंगा जी की सभा है, संत सभा है। यहाँ जो वहाँ तो जब लोग चुनते हैं तो लोग वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ तो जब ठाकुर जी चुनते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं। सच्ची बात तो ऐसी है, और आपको ठाकुर जी ने चुना है वहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए भी, और आज उन क्षणों को आइए हम सब लोग उनके ही मुख से सुने। माँ गंगा को प्रणाम। माँ गंगा के किनारे हिमालय की गोद में इस ऋषिकेश के अंदर आज इस परमात आश्रम में परम पूज्य स्वामी चिनानंद जी महाराज जी के सानिध्य में हम सब गो अष्टमी पर आज गंगा आरती पर सभी श्रद्धालु पधारे हैं। आज का दिन हमारे लिए विशेष है, क्योंकि गो माता की हम पूजा करते हैं और गो माता को पूजा करना, उसका संरक्षण करना हम सब की जिम्मेदारी है। और मुनि जी ने तो हमेशा प्रकृति के संरक्षण
और प्रकृति संरक्षण में किस तरीके से उन्होंने समाज के हर व्यक्ति को, अभाव वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव किस तरीके से आ सकता है, प्रकृति का संरक्षण भी हो, हम पेड़ भी लगाएं, पौधे भी लगाएं, जिससे आर्थिक आय भी हो, और गोष्ठी पर हम गौ माता की पूजा करें, उसका संरक्षण करें, और गौ माता से पूजा से बड़ी कोई पूजा हो नहीं सकती। इसलिए ये भारतीय संस्कृति, ये आध्यात्मिक का ये देश, जिसको स्वामी जी ने भारत में नहीं दुनिया के अधिकतम देशों में भारतीय संस्कृति को पहुंचाने का काम किया, हिंदू संस्कृति को पहुंचाने का काम किया, गौ माँ और प्रकृति के संरक्षण और गंगा यमुना सब नदियाँ अविरल बहे स्वच्छ रहे, उसके लिए उनका संकल्प निश्चित पूरा होगा और सारा देश और सारे विश्व के आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति मांगने वाले लोग उनके संकल्प के साथ हैं। आए हम सब गोष्ठी पर गौ माँ की पूजा करें, संरक्षण करें, और किस तरीके से गौ माता के पूजा के साथ हम अपनी आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति को बढ़ाने का काम करें। पुनः पूज्य स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन। आपके दिव्य उद्बोधन के बाद आइए, क्योंकि आज का दिवस गोपाष्टमी का पावन पावन पर्व है, हम लोग प्रकृति के संरक्षण के लिए, गौ माता के संवर्धन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जल को प्रदूषित ना करें, जल का संचयन करें, जल का अपव्यय ना हो, और सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करें, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं के समाधान का एक ही तरीका है कि हम प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इसलिए हाथ खड़े करके सभी, आरती का समय हो भी गया, सभी हाथ खड़े करके संकल्प करेंगे, हम सब मिलकर संकल्प करें तो हम सबका संकल्प सृष्टि का संकल्प होगा, सबका संकल्प सृष्टि का संकल्प बनेगा। और पूरे विश्व में, क्योंकि आरती लाइव है, जो भी सब लोग देख रहे हैं वो भी सब लोग अपने अपने हाथ अपने अपने घरों में बैठकर अपने अपने देशों में बैठकर करें। और इसी के साथ ही आइए, भारत माता की, गंगा मैया की, के लिए हम मौन रखेंगे, क्योंकि गुजरात में मोरबी में जो कुछ घटा, आज देश की संसद के आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से पूरा देश उस पर अपना दुख प्रकट कर रहा है। कई बार घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो अपने को हृदय विदारक दृश्य उपस्थित कर देती हैं। ना जाने कितने लोगों को काल का शिकार बनना पड़ता है। छुट्टी का दिन, छठ का पर्व, रविवार और दीपावली के बाद का पर्व होने के माध्यम कारण से संख्या से ज्यादा, जितना संख्या नहीं जानी चाहिए थी पुल पर, उतने लोग उत्साह में चले गए। ओवरलोडेड होने की वजह से ये सस्पेंशन ब्रिज गिरा, ये केबल ब्रिज गिरा और काफी लोगों की मृत्यु हुई। भगवान करे ऐसा दुख किसी को भी ना देखना पड़े, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, और साथ ही
संतप्त परिवारों को प्रभु संबल प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, धैर्य प्रदान करें, ताकि इस असहनीय दुख को वो सहन कर सके। सब मिलकर ओम की ध्वनि से खड़े होकर हम सब मौन भाव से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये दिव्य आरती उन सभी आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम समर्पित करते हैं। आइए इसी भाव से सब मिलकर आरती करेंगे।
जय जय
Yeah.